Assalamualaikum, this is Bardasht Shoaib and once again welcome to रिवायतों की लज्जत। हमेशा की तरह आज के एपिसोड में भी लेके आए हैं हम आपके लिए एक नई मज़ेदार सी और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी, लेकिन हाँ फुल रिवायती रेसिपी लेके आए हैं हम आपके लिए। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि बाजरे की रोटी बनती है, लेकिन आपने कभी सुना है कि बाजरे का शरबत भी बनता है? थोड़े से सरप्राइज हुए ना, मैं भी ऐसी सरप्राइज हुई जब मैंने सुना था कि जब हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं, वो अभी मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी आपको, जब मैंने उनसे पूछा कि वो क्या बना सकती हैं या उनकी ऐसी कौन सी रेसिपी है जो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है और उनके हाथ की बहुत फेमस है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हरा लहसुन जो है, देसी लहसुन जो होता है, उसका वो कुछ बनाती हैं और साथ में वो बनाती हैं बाजरे का शरबत और बैंगन का भरता। मेरे मुंह में अभी से पानी आना शुरू हो गया कि रेसिपी का नाम सुन के बिल्कुल एक डिफरेंट यूनिक रेसिपी लग रही है। और किस तरह से बनती है, कैसे बनती है, कहाँ से बिलोंग करती है, उन्होंने कैसे सीखी, इतने सारे सवालात हैं मेरे और आई एम श्योर आपके भी होंगे। तो टाइम बगैर वेस्ट किए जो है हम बुलाते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट को, जो कि हैं राहिला जी को। तो आइए मेरे साथ इन्वाइट करते हैं राहिला जी, आइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। राहिला जी, बहुत सारे सवाल आते हैं। पहले तो एक तो लहसुन का ये क्या कहलाता है? लहसुन की चटनी है, लहसुन का अचार है, लहसुन का सालन है, या लहसुन क्या है? ये मोस्टली खाया जाता है विंटर में, मगर अभी भी ये एक सिर्फ खाया नहीं जाता है, इसके साथ ये हमारे लिए हेल्दी बहुत है। एग्जैक्टली, लहसुन तो हम वैसे भी कहते हैं कि बहुत हेल्दी है। मैं दिखाना चाहूंगी हमारे व्यूवर्स को, ये देखें, अच्छा कितना बारीक लहसुन है, इट्स सेम लाइक अ स्प्रिंग अनियन, राइट? यस, मगर इसको काटना और उसको छीलने के लिए काफी टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, प्लीज आप दिखाएं। अच्छा, टाइम वेस्ट होता है, यानी कि बहुत टाइम टेकिंग है। कितना बारीक है, कितना पतला है। अच्छा, ये देसी लहसुन कहलाता है जी, बिल्कुल। सबसे पहले आप मुझे बताएं आप क्या बनाना शुरू कर रही हैं? सबसे पहले हम बनाएंगे लहसुन। लहसुन, लहसुन के लिए क्या करना है सबसे पहले हमें? सबसे पहले ये जो रोटी मैंने बनाई है, ठीक है, इसको मैंने चॉप किया हुआ। अच्छा, ये कैसे, हाथ से चूरा करना है या फिर आपने चॉपराइज करना? चॉपर्स। अच्छा, चॉपराइज करना। ये कितनी रोटियां हैं ये? एक दो रोटियां। अच्छा, दो रोटी। अच्छा, पहले आप बताएं आपने बाजरे की रोटी बनाई कैसे? ठीक है, जिस तरीके से हम मोस्टली जो रोटी बनाते हैं घर में, इसी तरीके से पानी डलता है एंड ऑयल डलता है थोड़ा सा, क्योंकि इसको सॉफ्ट करने के लिए। ये बाजरे की रोटी जो है वो बिलती नहीं है, ठीक है, क्रैक्स पड़ जाते हैं उसमें। इसी तरह जिस तरीके से हम डो को बनाते हैं ना, इसी तरीके से बना के फिर हम एक वो ले लें, थैली ले लें, प्लास्टिक चॉपर ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा ये करके फिर इसको हम इस तरीके से मैश करेंगे हाथ ना से। जी, और थैली को जब हम यूँ करेंगे तो आराम से रोटी बन जाएगी। सही। और लोग कहते हैं कितना मुश्किल है, वाकई। चलिए, अच्छा ये तो हो गया फर्स्ट प्रोसीजर हमारा, फर्स्ट स्टेप, बाजरे की रोटी जो है हमने बना ली और उसको फिर हमने चॉप कर लिया। अब क्या करेंगे? ठंडा होने के लिए थोड़ी देर इसको लीव छोड़ना पड़ता है, जैसे क्योंकि अगर आप गरम गरम करेंगे तो वो चॉप नहीं होगा, थोड़ी देर इसके जैसे टुकड़े करके। अच्छा, फिर उसको आप थोड़ा ठंडा होने। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब क्या स्टेप है हमारे पास? अब ये है कि ये सबसे पहले हमें ऑयल गरम करना है थोड़ा सा, और इसमें क्या करेंगे, लहसुन अभी हमें काटना है जी, थोड़ा काटना पड़ेगा। अच्छा जी, लहसुन काटेंगे। चलिए, जब तक मैं तेल गरम कर पे लगाती हूँ, आप जो है लहसुन काटें जी, जी। आप वो काउंटर संभालें, मैं ये वाला संभाल लेती हूँ, थोड़ी सी हेल्प करना तो बनता है, राइट? अच्छा जी, हम चूल्हा जो है वो ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, आप काटना स्टार्ट करें। कटिंग बोर्ड चाहिए आपको? जी, कटिंग। अच्छा जी, ये लीजिए कटिंग बोर्ड। और कौन सी वाली नाप चलेगी? हैवी वाली, ये जी। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। तो सबसे पहले ये जो चीज़ है ना, ये जो लास्ट के होते हैं ना, इसको हम पहले रिमूव कर देंगे। अच्छा, ये रिमूव करना है एक्स्ट्रा पार्ट? जी जी, ये डिस्कार्ड कर दें यानी। अच्छा जी, ये प्लीज़ आप नोट करें, ये ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जो ड्राई हो जाते हैं थोड़े से, ये जो है हमने डिस्कार्ड कर देने हैं, ये हमने नहीं यूज़ करने, सही है जी? अच्छा जी, इसके बाद अब क्या करेंगे? अब ये बिल्कुल जिस तरीके से, इस तरीके से बिल्कुल बारीक काटना। अच्छा, ये बहुत ही बारीक कटेगा? जी बिल्कुल बारीक कटेगा, जितना अच्छा, बारीक अच्छा। होगा इसकी टेस्ट और उसका फ्लेवर इतना ही अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, तेल हमने आधा कप डालना है? नहीं, जस्ट टू स्पून, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके जी, तेल जो है वो हमने से 2 टेबल स्पून लिया है और अब उसको हम गर्म पे लगा रहे हैं। मीनवाइल राहिला जी जो है वो बहुत, आप देखें प्लीज़, बहुत ही बारीक और फाइनली चॉप जिसे हम कहते हैं, उस तरह का लहसुन काट रही है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा ना, कट गया है। अच्छा जी, लहसुन जो है हमारा चॉप हो गया है, ऑयल क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, इसको बिल्कुल स्लो कर दीजिए। मैंने बिल्कुल ही स्लो किया हुआ है और मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ अभी फॉर द टाइमिंग यहाँ पर, जब तक कि लहसुन जो है वो पूरा चॉप नहीं हो जाता। आ जाए नहला जी, अब क्या करेंगे हम? इसमें खुशबू भी देखें कितनी तेज़ आ रही है इसकी ना, बहुत ज़बरदस्त। हाँ जी, अब क्या करेंगे हम? ये जो ये है ना जी, इसी अब में सबसे पहले हम ये डालेंगे लहसुन, डालना सबसे पहले जी, जी।
पतीली में डाला लहसुन? जी डाल दें। नहीं, अच्छा नहीं, इसमें ये अच्छा पहले ही बाजरे की। जी जी। अच्छा जी, हमने जो बाजरे की रोटी का चूरा बनाया हुआ था दो रोटियों का, जी दो टेबल स्पून हमने ऑयल गरम करा। एक रोटी जितना चूरा लेंगे, एक रोटी, क्योंकि लहसुन कम है ना। अच्छा 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 अच्छा, जितना ग्राम आपका आटा होगा रोटी का उतना ही ग्राम लहसुन होगा। तो यानी कि 250 ग्राम आटे की आपने बाजरे की रोटी बनाई और 250 ग्राम ही आपने देसी लहसुन लेना है। इसको हम इधर ले लें। हाँ जी, इसको उठा के आप इधर ले लें। इसको उठा के इधर ले आते हैं क्योंकि तेल ऑलरेडी बहुत गर्म हो चुका था तो मैंने वहाँ पे रख दिया था। अच्छा अब क्या करेंगे? अच्छा हमने ऑयल सिर्फ दो टेबल स्पून लिया है इसमें। ये हमने इसको सिर्फ हमें इसको हल्का सौते करना है। जी जी। अच्छा ये क्यों, ये जरूरी है? नहीं ये जरूरी नहीं है, मगर रोटी सॉफ्ट हो जाए, पकी हुई है। हाँ, सॉफ्ट करने के लिए ऑयल, मॉइस्चराइज करने के लिए। अच्छा थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए इसको। ये देखें ये हो गया। अच्छा जी, और कुछ नहीं, बस ठीक है। अभी डाल देंगे? हाँ, अभी इसको आप हिलाना नहीं है, इसको ऊपर 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 डालना है। हाँ। नहीं डालूं मैं इसमें ऊपर पूरा ऐसे? हाँ बिल्कुल। तय कैसे लगाते हैं? अच्छे से लेयर लगाते हैं। जी लेयर। जी अच्छा 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 जी। अच्छा आप देखती रहिएगा। चलें जी। अच्छा ये देखिए जी, हमने बाजरे की रोटी का जो चूरा था वो डालने के बाद हम इसमें लहसुन के ऊपर तह लगा रहे हैं ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा चम्मच हम इधर कर देंगे इसको। ठीक है सही है, हम इसको। अच्छा अब इसमें कुछ डालना है हमें? इसके अभी डालना है ऑयल गर्म करने के लिए। आप फ्राइंग पैन लेंगी? जी। अच्छा ऑयल अलग से गर्म करना है? भगवा टाइप का लगेगा? हाँ हाँ। ओह इसकी खुशबू फिर ही तो आएगी। अच्छा और अभी इसका हमने क्या करना है? ये ऑयल ले लिया। ठीक है, ऑयल आपने कितना लिया है? अराउंड 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून। अच्छा 4 टेबल स्पून। हाँ। है ये सही? क्वार्टर कप होता है ना? क्वार्टर कप। 1/4 कप लग रहा है बेसिकली। ये है 1/4 कप आपने जो है ये देसी घी ऑयल लिया। ये देसी घी? ठीक है। अरे वाह सही, देसी घी कितना है ये? ये तो अभी इतना पूरा नहीं डलेगा, एक चम्मच ही डलेगा खुशबू के लिए। अच्छा खुशबू के लिए। वैसे भी हम यूज करते हैं, हम तो देसी घी यूज करते हैं। अच्छा हाँ, इसमें आप यहाँ भी देसी घी यूज करते हैं? हम भी देसी घी में खा सकते हैं भाई, देसी घी तो फायदेमंद है, नुकसानदेह थोड़ी है। सही, ये पहले इसको गर्म कर लिया। सही, इसका ढक्कन, ढक्कन ये रहा इसका, ढक्कन लगा दूँ इसका? हाँ हाँ अभी लगा दें। अच्छा जी सही। अच्छा तीसरा चूल्हा भी आप घर जो? नहीं नहीं। अच्छा इसमें बस ये थोड़ा सा। अच्छा फ्राइंग के लिए, वैसे हम तो के लिए इसमें वैसे देखें हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है जो अफोर्ड कर सके। वैसे हम तो कहते हैं कि देसी घी में ही बनाना चाहिए। नहीं नहीं, देसी घी वाकई मैं खुद भी कहती हूँ कि देसी घी आपने इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, हेल्दी है, हेल्दी वेट भी नहीं, और हमारे लिए जरूरी है। जरूरी है आपकी, हमारी आजकल बोन्स की इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हर कहते हैं कि इतने यंगस्टर्स होते हैं उनको भी, जो टीनेजर्स हैं उनमें भी बोन्स के इतने इशूज आते हैं, किसी की बोन्स डिफॉर्म्ड हो रही हैं या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है, हड्डियों में दर्द हो रहा है। तो ये बहुत बेहतर है कि अगर आप देसी घी को इस्तेमाल करें, आपको कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होगा, आप मोटे भी नहीं होंगे। मैंने यूजली घी लोग छोड़ते ही इसीलिए हैं कि हम मोटे हो जाएंगे, तो उसे सेव करने के लिए आप बेहतर है कि आप जो है ये देसी घी इस्तेमाल करें। और इतना महंगा भी मेरे ख्याल से नहीं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अगर हम इसको वैसे हम यूज़ ही कम करना है हमें, हम ज़्यादातर मॉर्निंग में इसको यूज़ करें, मॉर्निंग में यूज़ करें तो पूरा फिर आपका डे है ना अच्छा अच्छा गुजरेगा और हेल्दी गुजरेगा। अच्छा जी अब क्या करेंगे हम, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है मुझे। बस ये गर्म हो गया। सही ठीक है। अच्छा डायरेक्ट घी डाल दें? जी जी ओके। ये हमने इस तरीके से, अच्छा ये छुस से जो हल्का हल्का सा हो रहा है इसकी वजह से। जी जी जितना अच्छा होगा इतना अच्छा खुशबू आएगी। अच्छा जितना तेज गर्म होगा उतनी अच्छी खुशबू आएगी। अच्छा जी अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? नेक्स्ट स्टेप होगा बाजरे, ये भुरता होगा, बैंगन का भुरता। अच्छा अच्छा जी, अब हम बैंगन के भुरते के लिए कुछ करना है आपने, ताकि मैं ब्रेक ले लूँ यहाँ पे। सही? हाँ सही। अच्छा जी हम बनाने जाएंगे बैंगन का भुरता, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं जाना नहीं है आपने, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और रिवायतों की लज्जत में हमारे साथ हैं आज राहिला जी, और राहिला जी बना रही हैं बहुत ही मज़ेदार सा हरा लहसुन और बाजरे का शरबत जिसे राप कहते हैं। राप कहते हैं। अच्छा जी, अच्छा पानी, पानी और ग्लास। तो ये रहा पानी एंड वन ग्लास, ग्लास चाहिए जी, जी आपको, ये रहा ग्लास। अच्छा जी हम करेंगे क्या राप के लिए, ये मुझे सीखना, ये बहुत एक डिफरेंट चीज़ है जो मैं कह रही थी कि मुझे सीखनी है कि राप कैसे बनता है। एक गिलास पानी लिया, मगर ये बहुत ज़्यादा हीट हो गया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है डाल देते हैं एक। ठीक है सही है जी। ठीक है एक, एक ठीक है, नॉर्मल पानी जो होता है। हाँ पीने का पानी जो आपका जी जी होता जी है। सही ठीक है, ये दो। सही
मैक्सिमम दो डालना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि वो थोड़ा सा जलता भी है तो थोड़ा सा कम भी हो जाता है। हम ढाई कप डालें यानी कि जब तक थोड़ा सा पक जाए तो फिर दो कप निकले। जी जी जी, सही। अच्छा, अब क्या करेंगे, पानी को कुछ नहीं डालना? नहीं, अभी हमें ये गुड़ लेना है। और मीठा आपके ऊपर भी डिपेंड है, आप ज़्यादा खाते हैं या कम खाते हैं। वैसे मौसमी में है ना, इसमें दो में ढाई चम्मच डालती हूँ। अच्छा, रात में पीऊँगी तो थोड़ा मीठा कम ही रखें, ठीक है? बहुत लेकिन वैसे नहीं, वैसे जस्ट टेस्ट इट, इट इज़ वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी। अच्छा, नहीं नहीं, मैं ज़रूर ट्राई कर, मैं ज़रूर पीऊँगी। राब तो मैंने पहले से बुक करवा ली है कि राब जो है वो मैं ज़रूर पीऊँगी। अच्छा, ये हमने इधर इसको पकाने के लिए रख दिया है। ये हल्की आंच पे रही या तेज आंच पे, गुड़ तो गल ही जाता है। गुड़ तो फौरन, आप हल्की सी जो है वो वार्म ल्यूक वार्म वाटर होगा उसमें भी जो है वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है? ये जब तक ये होता है हम इसको, अब बैंगन का भुरते के लिए ऑयल लेंगे। सही, ठीक है, हमें ब्रश करना होता है, ब्रश ऑयल से हम थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं ना। सही, सबसे पहले हमें इसको धो के, मैं तो रैप करके हर चीज को रखती हूँ, धो के। ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है? जब क्योंकि देखे हाथ मुंह साफ हो जाते हैं मगर पेट साफ नहीं होता। ये हम तेल लगा देंगे ना, इसको इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर डायरेक्टली रखना है। जैसे हम नॉर्मली बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन को रोस्ट करते हैं, उस तरह से हमें इसको रोस्ट कर लेना है। अच्छा, इसमें आपने कुछ के आपने इसको वो नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं करने की मदद से, कुछ भी नहीं जरूरत है, ये वैसे ही हो जाता है। अच्छा, सिर्फ साबुत इन्होंने बैंगन लिया, करना चाहे तो कर ले मगर फिर उसमें से जो ऑयल होता है पानी, वो चूल्हा भी खराब होता है, ये वैसे ही गल जाता है, वैसे ही गल जाएगा। बैंगन तो बेचारा बहुत ही मासूम सा होता है, ठीक है, बहुत जल्दी गल जाता है। अच्छा, ये है इसका प्रोसीजर जो मैंने किया है, इसकी जो पील है ना वो मैंने इसको रिमूव कर दी, ठीक है? फिर ये इस फॉर्म में, हाँ, इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है? ये लीजिए, ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं, ये अच्छा। है ना, अब ये दही जो है, सही, इसको हमने थोड़ा सा ब्लेंड करना है, बिल्कुल ब्लेंड करेंगे तो बिल्कुल पानी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, विस्क कर लें बेसिकली। हाँ, हाँ, विस्क विस्क वहाँ पे रखी है हमारे पास, चलिए आप फोर्क से कर लें, ठीक है? सही, अब विस्क ऑलरेडी हुआ हुआ है वैसे, जी जी ये हुआ हुआ है। अब सिर्फ हमें नमक डालना है। ये कितना दही लिया है आपने? ये आधा किलो है, आधा किलो दही है, सही, ठीक है? इसमें थोड़ा सा नमक हंसबे जाएगा, ये डल गया, सही, ठीक है, ये हो गई। फिर ये जो बैंगन हमने जो इसको जो भरता बैंगन का हमने निकाला था, ठीक है, वो इसके अंदर हम डाल देंगे, सही, और इसको मिक्स कर लेंगे। आप ये बड़ा वाला नहीं, नहीं ये वाला ले लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये हमारा बैंगन का भुरता रेडी है। अच्छा, बस सिंपल, इसमें आपने कुछ नमक मिर्ची जीरा कुछ भी नहीं डालना? नहीं, कुछ भी नहीं, बस इसमें इस तरीके से ये हमारा, अच्छा, ये मिक्स कर लेंगे हम। हाँ, इस तरीके से करके ये लहसुन के साथ खाया जाता है। अच्छा, बाज लोग सिर्फ दही भी खाते हैं। मैं इसको विस्क करती हूँ, आप वो देख लीजिए, ठीक है? अच्छा, ये क्या है? ये बाजरा है, जो साबुत चिड़ियाओं का बाजरा होता है, जो चिड़िया खाती हैं, प्योर बाजरा। जी, प्योर बाजरा। इसको हमने सबसे पहले लिया, इसको तवे के ऊपर या कोई भी इसके पतीले के, हाँ, सॉस पैन के हल्का सा भुनना है। ये कितने चम्मच डाले हैं आपने? 3.5, 3.5। अब ये हम डायरेक्ट डालेंगे ना तो उसकी गठियाँ बन जाएंगी। अच्छा, जिस तरीके से हम कॉर्नफ्लावर को किस तरीके से पहले करते हैं, अच्छा, गाढ़ा कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, इसके लम्स ना रह जाए इसके अंदर, सही, थोड़ा सा पानी कि ये सिर्फ घुल जाए इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको हम फोर्क की हेल्प से भी कर सकते हैं। जी 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 जी। अच्छा 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 अच्छा, ये देखिए लम्स बन रहे थे पानी में, इसको हमें बिल्कुल डिजोल्व करना है, सही, ताकि इसके लम्स ना बने। सही सही सही। अच्छा, ये भी बहुत हेल्दी होगा, ऑफ कोर्स हेल्दी है, आपको पता ही, ये मैं तो खैर होम कैटरिंग का काम करती हूँ और इस वक्त कोविड में ना लोगों के काम, खाना पीना सब कुछ रुका हुआ था, मगर मेरे पास इसी के ऑर्डर आ रहे थे क्योंकि ये कोविड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओ, हमारा एंटीऑक्सीडेंट में काम करता है ये। हाँ, कोविड में आपके एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो नेचुरली बनते होंगे, ठीक है? और है ना, जब हम पीते हैं ना तो हमारी सर्दी भी से आपकी बॉडी टेम्परेचर को जो है ये नेचुरल तरीके से जो है वो वार्म रखता है, बैलेंस रखता है। अच्छा जी, थोड़ा सा आपको दिखा दें यहाँ पे, देखिए इस तरह से जब ये हो जाएगा बैंगन, तो समझे बैंगन जो है वो रेडी हो चुका है। आपने पानी में डाल दें ठंडा होने के लिए, ऐसे ही रहने दें। अच्छा, पानी में डाल दें, ऐसे ही रख दें, और फिर ऐसे स्किन रिमूव करेंगे तो स्किन रिमूव हो जाएगी और ऐसे जो है आराम से ये आपके पास। मैं तो चूल्हों से खेलती हूँ भाई। अरे नहीं भाई, चूल्हों से ना खेले, बराए मेहरबानी ये मैसेज ना पहुंचाए। नहीं, एक्चुअली ये ना जिसकी आदत हो जाती है ना वो आप यूज टू हो जाते हैं काम करने के, लेकिन भाई चूल्हा बहुत खतरनाक। अच्छा, ये देखें, ये हमने ना ये मिक्स कर लिया, ये देखें इस तरीके से गाढ़ा हो गया। अच्छा, मैं कंसिस्टेंसी दिखाना चाहूंगी एक सेकेंड अपने व्यूवर्स को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। प्लीज आप देखिए, बिल्कुल इसको हमने जो है वो इसको आप इससे मिक्स कर लीजिए तरीके, ताकि कोई लम्ब ना पड़े, और देखें इतना पतला ही है ये, अभी इतना गाढ़ा नहीं है,
अब ये इसमें पकेगा तो अच्छा, अब ये पकेगा। ओ, मुझे लगा अब इसमें आप ये डालेंगी। हाँ, ये नहीं, बस ये हमने ये हो गया। ये देखे, इसमें कुछ भी गुड़ नहीं है। सही सही सही, इसको चलाते रहे इस तरीके। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें जी, स्लो स्लो चलाते हुए जो है, जो हमने बाजरा डिसॉल्व किया था पानी के अंदर, वो हमने पानी में जो हमने गुड़ पकने ही रखा हुआ था उसमें डाल दिया है। और इस वक्त टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ बन रही हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे आगे और किस तरह से इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और यहाँ पे बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा राब, और लहसुन, देसी लहसुन जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्या किया था कि बाजरे को गुड़ के पानी में डाल दिया था। और कितने कप पानी में हमने उसको लिया था? हाफ कप पानी में, राइट? हाफ कप पानी में हमने 3.5 टेबल स्पून बाजरे जो हमने रोस्ट करके उसको पाउडर बना लिया था, वो हमने उसको डिसॉल्व करा, एंड देन फिर हमने उसको गुड़ के पानी में डाल दिया। और इसको लिड लगा के हमने बिल्कुल स्लो आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ पकने देना। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि हमने लिड लगा के पकाना है ताकि बाजरा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और वो मुंह में थोड़ा सा हार्ड ना लगे, राइट? अच्छा जी, अब ये हमने पकने को रख दिया और ऑलरेडी पक रहा है। बाकी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, वो हम डिश आउट कर लेते हैं। सही है जी। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा ये देखें, अभी हम निकालेंगे अपने फाइनल सर्विंग प्लेट्स की। लिट खोलते ही इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आई है देसी लहसुन की, आ हा हा। जब तक रहला जी कर रही हैं इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का एक रीकैप। हरा लहसुन अज्जा, बाजरे की रोटी 1 अदद, तेल 1/2 कप, हरा लहसुन 250 ग्राम, देसी घी 2 खाने के चम्मच। तरकीब, पैन में तेल गरम कर लें, इसमें बाजरे की रोटी का चूरा, बारीक कटा हुआ हरा लहसुन की तह लगा लें, तेल और घी पैन में गरम करके इसका भगाड़ लगा लें, थोड़ी देर दम पर रख कर खाने के लिए पेश करें। दही बैंगन अज्जा, बैंगन 1 अदद, दही 1/2 किलो, नमक हंसदे जायका। तरकीब, बैंगन के छिलके को चूल्हे पर जला कर भुरते की तरह कुचल लें, दही में बैंगन और नमक शामिल करके ब्लेंड कर लें। बाजरे का राब अज्जा, पानी 2 ग्लास, देसी गुड़ 3 खाने के चम्मच, पिसा बाजरा 3 खाने के चम्मच, देसी घी 1 चाय का चम्मच। तरकीब, पैन में पानी और देसी घी गुड़ हल्की आंच पर रखें, उबाल आने पर पिसा बाजरा पानी में घोल कर शामिल कर लें, कुछ देर पकाने के बाद ग्लास में निकाल कर घी से गार्निश करें। जी जनाब, आई एम श्योर रेसिपी कार्ड जो है वो आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि जो रेसिपीज़ हम आज बना रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं और बहुत ही यूनिक हैं और बहुत ही आसान है बनाना। और ये चीज़ें आपको आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएंगी और आप बहुत कम टाइम में बना सकते हैं बहुत ही हेल्दी खाने। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं फाइनल प्रेजेंटेशन जो है वो इसकी रेडी हो चुकी है। देसी लहसुन की आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसका एक लुक आ रहा है, और प्लस ये जो है ये बैंगन के भरते के साथ जो दही में बनाया गया था उसके साथ सर्व किया गया है। और राब कहाँ तक पहुँचा हमारा? फाइनल हो रहा है बस। अच्छा जी, बस हम राब भी 3 से 2 मिनट में निकाल लेंगे अब। जब तक आप मुझे स्पून दें, मैं टेस्ट करना चाह रही हूँ ये देसी लहसुन जो कि इन्होंने बाजरे की रोटी के को चूरा करके उसके साथ बनाया है, राइट? अच्छा, इसको सर्व कैसे किया जाता है रहिला जी? इसको आप ऐसे ही सर्व करते हैं, नाश्ते में खाया जाता है या लंच में देते हैं? नाश्ते में खाया जाता है और दोपहर के लंच में खाया जाता है। अच्छा, और ये ऐसे ही दही के साथ खाया जाता है? जी, बाज लोग भुरते के साथ खाते हैं, बाज लोग सादी दही के साथ भी खाते हैं। अच्छा, सादी दही के साथ भी आप स्पून से आप जैसे ऐसे ही आप ले सकते हैं। जिस तरीके से हम सर्विंग करते हैं, आप मुझे सर्विंग करके दिखाएं, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ उसको टेस्ट करने के लिए कि ये कैसा लगेगा बनेगा। दही ज़बरदस्त, मेरे पास है फोर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसको आपने मिक्स करके जो है जी वो अब खाना है। और थैंक यू सो मच, और मैं कब से वेट कर रही थी इसको खाने के लिए, नियत लगी हुई थी मेरी यार इसके ऊपर। ये एक्चुअली में बहुत टेस्टी है, और देसी लहसुन की जो तेज़ी है वो बहुत, और जो खुशबू है बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, लहसुन की जो तेज़ी है वो बाजरे की रोटी ने बैलेंस कर दी है जी। और वो राइट, हाँ, ये दोनों चीज़ें हैं ना हमारी, जैसे जब ठंड होती है ना तो ठंड को भी कवर करती है। नहीं, वो बाजरे का तो वैसे ही लग रहा है। अच्छा, राब निकाल लें हम, देखें राब हो गया है। और अच्छा, इसमें मैं आपको दोबारा बताती चलूँ, एक दफ़ा इन्होंने
बाजरे का जो आटा गूंदा था उसमें थोड़ा सा नमक डाला था, तेल और पानी डाल के उन्होंने गूंद लिया था, उसके अलावा और कुछ नहीं डाला आपने। और ये जब इन्होंने उसकी लेयर लगाई बाजरे की रोटी की तो उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ देसी घी में अगर आप बनाएं इसको तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसकी। और ये रैप भी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, बल्कि पूरा रेडी हो चुका है, इसको डिश आउट कर रही हैं। ये तो बहुत गर्म है, इसको पीने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे, लेकिन मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। लेकिन देसी लहसुन मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने घरों में बनाइए, ट्राई कीजिए और ज़रूर खाइए। एक तो ये बहुत हेल्दी है और बहुत डिलीशियस भी है। ज़बरदस्त। ठीक है, इसके बाद अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम ये थोड़ा सा देसी घी इसको ऊपर डालना है। अच्छा, ऊपर से देसी घी डालना है जी। इसमें घी ज़्यादा नहीं डाल रहा? किसमें? राब घी डाला। राब में नहीं, जो बाजरे की हमने, अच्छा उसमें किसी में मैंने घी रोस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सादा ही रोस्ट। अच्छा, अगर ऊपर से हम घी ना डालना चाहें तो? तो आपकी मर्जी है, बगैर इसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है। अच्छा, फ्लेवर अच्छा हो जाएगा और हेल्दी हो जाएगा। अच्छा, देसी घी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जबरदस्त। अच्छा, ये मिक्स भी हो गया। अच्छा, 1 टीस्पून डाला है इन्होंने। जी जी, थोड़ा सा, जस्ट खाली खुशबू के लिए। खुशबू के लिए, अगर आप चाहें आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप 1/2 टीस्पून अपने हिसाब से 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं। डलता देसी घी, देसी घी डलता है। ये जो आज की रेसिपी है ये प्योर प्रॉपर देसी रेसिपी है और प्योर हेल्दी रेसिपी है। एंड आई एम श्योर आपने हमारा आज का शो बहुत इन्जॉय किया, मैंने बहुत इन्जॉय किया, मुझे बड़ा मजा आया रहीला आपके साथ काम करके। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी, आप लोग पूरी टीम का थैंक यू सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और थैंक यू, इतनी अच्छी रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर करी। एंड आई एम श्योर आपको भी हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक दे के हमें बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी और आपकी फैमिली का क्या फीडबैक था। इसी के साथ ही आज के शो के लिए आपसे लूँगी इजाज़त, लेकिन फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड के साथ, एक नई रेसिपी के साथ और एक नई एक्सपर्ट के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।